इंडिया में अभिषेक शर्मा नहीं दिखा पा रहे हैं आईपीएल वाला भौकाल। आईपीएल 2024 में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में जगह बनाने वाले अभिषेक शर्मा का बल्ला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक खामोश ही रहा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे ही मैच में शतक जड़ने के बाद अभिषेक शर्मा लगातार 3 पारियों में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। आईपीएल 2024 में अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन तूफानी रहा। ट्रेविस हेड के साथ पहली ही गेंद से अभिषेक शर्मा गेंदबाजों पर अटैक करते थे। आईपीएल 2024 के 16 पारियों में अभिषेक शर्मा ने 204 के स्ट्राइक रेट से 484 रन बनाए। सबसे ज्यादा 42 छक्के भी उनके बल्ले से निकले। इसके इसी प्रदर्शन की वजह से उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला। जिम्बाब्वे दौरे पर अपने दूसरे ही मैच में अभिषेक शर्मा ने सेंचुरी ठोक दी। कैरियर की पहली पारी में अभिषेक शर्मा डक आउट हुए थे, वही दूसरे मैच में 47 गेंदों पर शतक जड़ दिए। उसके बाद से वह 8 मैचों की 7 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 20 रन भी नहीं बना सके। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में 16 रन, 15 रन और 4 रन बनाकर आउट हुए। वही साउथ अफ्रीका में उनके बल्ले से 7 रन और 4 रन भी निकले, यानी लगातार 3 पारियों में वह दहाई का आंकड़ा तक भी नहीं छू सके। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अब तक 10 मैचों की 9 पारियों में भारत के लिए 170 रन ही बनाए हैं, यानी अन्य 8 पारियों में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 70 रन ही बनाए हैं। इस दौरान गेंदबाजी की बात करें तो उनके नाम 3 विकेट भी है। अभिषेक की अच्छी बात यह है कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के साथ साथ वह बाएं हाथ के अच्छे स्पिनर भी हैं। अभिषेक शर्मा को साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज में लय हासिल करनी ही होगी, क्योंकि भारतीय टीम में ओपनिंग के लिए कई खतरनाक दावेदार हैं। संजू सैमसंग ने लगातार 2 शतक लगाकर दावेदारी मजबूत कर ली है। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल टेस्ट खेलने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में है। इनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ भी T20 में ओपनिंग करते हुए भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। दोस्तों, अगर आप भी अभिषेक शर्मा को एक खतरनाक बैट्समैन मानते हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।